और आप तो 11 बजे तक और 12 बजे तक फोन चालू रखते हो, वायर्ड फैमिली में हो ना, क्योंकि आपको चिंता है देश की। मैं आप पे कोई आक्षेप नहीं डालना चाहता हूं कि आप एंटरटेनमेंट करते हो रात को 10 बजे 11 बजे 12 बजे मोबाइल फोन पे नेट खोल के, मैं पॉजिटिवली लेता हूं, आपको देश की चिंता है कि यूक्रेन में क्राइसिस अभी चल रही है तो शायद प्रधानमंत्री जी का मुझे पर्सनल फोन आए पीएमओ में से कि भाई साहब आपकी जरूरत बहुत है, मैं एयरफोर्स वन भेजता हूं अभी कोल्हापुर एयरपोर्ट पे, आप जल्दी कोल्हापुर पहुंच जाइए और कैबिनेट की मीटिंग चालू है, आपके बिना अधूरी है। ऐसे फोन की अपेक्षा रखते हुए आप रात को 12 बजे तक फोन चालू रखते हो, यू आर अ फूल, आप मूर्ख हैं। आपको पारिवारिक समय की कीमत नहीं है, अपने परिवारजनों की कीमत नहीं है, आप अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हो, आपके बच्चे अपने रूम में मोबाइल में नेट खोल के बैठे हैं, वो क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं और क्या अंतर में डाल रहे हैं वो आपको पता नहीं है, फिर फरियाद करते आते हो कि स्वामी ये तो बिगड़ गया, तूने बिगाड़ा। ये वायर्ड फैमिली बहुत डेंजरस है और बच्चे तो ये चाहते हैं, ये इच्छते हैं। यू शुड हैव योर डिसिप्लिन्ड कल्चर्ड कंट्रोल ऑन द गैजेट्स दैट योर फैमिली मेंबर्स यूज, लेकिन पहले सुधार आप में करना है, ये जो बड़े बैठे हैं ना, आप में सुधार करना है, पहले आपको अपना टाइम रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तो आप परिवार को समय दे पाओगे, तो समय से फिर आगे संस्कार और श्रद्धा की बात आती है, संस्कार और श्रद्धा की बात है वो फैमिली वैल्यूज है, लेकिन उसके लिए फाउंडेशन में स्पेंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हम तो ये मानते हैं घर पे हैं सब बैठे ही हैं, जाते हैं सब वही दरवाजा वही खोलते हैं बैठे आसपास ही है, ऐसा नहीं, स्पेशल टाइम। अकॉर्डिंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी, 110 देशों में सर्वे किया गया था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, 1,00,000 से ज्यादा परिवार में किया था, दुनिया के 5 खंडों पे प्रश्न यह पूछा गया था कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। 67% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स दे सेड स्पेंडिंग क्वालिटी एंड क्वांटिटी टाइम विथ योर नियर एंड डियर वंस, हुम यू लव एंड रिस्पेक्ट, हु लव्स एंड रिस्पेक्ट्स यू, इज द ग्रेटेस्ट जॉय अपॉन दिस अर्थ। पृथ्वी पर सबसे बड़ा आनंद वो है। इसके लिए यहां से बाहर आना पड़ेगा। स्टीव जॉब्स का नाम सुना है, उंगली ऊंची करे, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है, एप्पल कंपनी के को-फाउंडर, चेयरमैन एंड सीईओ, ये आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। उनके घर एक बार उनके मित्र निक बिल्टन को उन्होंने निमंत्रित किया कि आज रात को दोनों परिवार साथ में बैठ के भोजन करेंगे, तो डिनर पे इन्वाइट किया। निक बिल्टन ने ऐसे ही डाइनिंग टेबल पे बैठे बैठे खाते खाते पूछा स्टीव जॉब्स को कि विच आईफोन डू योर चिल्ड्रन यूज, आपके बच्चे कौन सा आईफोन यूज करते हैं। उनकी 13-14 साल की लड़की, 11-12 साल का लड़का, स्टीव जॉब्स ने निक बिल्टन को कहा कि आस्क देम, वे भी बैठे थे डाइनिंग टेबल पे, दोनों बच्चे तो नीचा मुंह करके खाना चालू रखा। फिर से निक बिल्टन ने पूछा स्टीव जॉब्स को, यह प्रसंग निक बिल्टन ने स्टीव जॉब्स की आत्मकथा लिखी, बायोग्राफी लिखी, उसमें लिखा है, टाइटल ऑफ द बुक इज स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ने कहा कि आज तक मेरे बच्चों ने आईफोन का स्पर्श नहीं किया है, आईपैड का स्पर्श नहीं किया है। अब तालियां तो ही बजाना जब आप कुछ कल्चर्ड डिसिप्लिन अंडरस्टैंडिंग ये गैजेट्स के बारे में आपके फैमिली में लाने का प्रयत्न करने वाले हो तो ही। निक बिल्टन ने कहा कि मेरे हाथ में से ऑलमोस्ट स्पून छूट गई कि स्टीव क्या बात करते हो। उन्हें कहा, स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैं और मेरे पत्नी दोनों अपने बच्चों के साथ बैठे और कहा कि देखो आईफोन आपको चाहिए, आपके फ्रेंड सर्कल में सभी के पास है, तो ये रहा आपका आईफोन, लेकिन ये मैंने बनाया इसलिए इसमें ताकत क्या है वो मुझे पता है। जब तक आप मच्योर एज में नहीं आ जाएंगे तब तक आप इसमें से आपकी पढ़ाई बिगाड़ सकते हो, आप अपना कैरेक्टर बिगाड़ सकते हो, आप अपना भविष्य बिगाड़ सकते हो। हमको नहीं देना ऐसी बात नहीं है, ये आपके लिए लाए हैं, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग देनी है।
और हमारी इच्छा है कि आप मच्योर एज में आ जाए, 17, 18, 19 में आ जाए, तभी आपको देंगे। दोनों बच्चे समझ गए, माता और पिता ने प्रेम से समझाया तो समझ गए, और उन्होंने जब तक मच्योर एज में नहीं आए तब तक फोन, आईफोन का उपयोग नहीं किया, एक सादा फोन यूज करते थे, स्टीव जॉब्स के बच्चे। और आपको यह लगता है कि मेरे लड़के और लड़की 15 हो गई, 16 हो गए, उनको एक आईफोन तो बर्थडे पे देना पड़ेगा। तो आप बुद्धिशाली हो, परिवार को, बच्चों को ज्यादा जानते हो, स्टीव जॉब्स मूर्ख थे, जानते नहीं थे ऐसा है। तो मैंने आपको कुमार मंगलम बिरला का प्रसंग कहा, मैंने आपको स्टीव जॉब्स की बातें की। ऐसे विचारशील व्यक्ति, ऐसे समाज के आगेवान बड़े व्यक्ति जिन्होंने बहुत बड़ा कार्य इस पृथ्वी पे किया है और कर रहे हैं, ये पारिवारिक मूल्यों के लिए परिवार में समय देना और वो समय को खा जाने वाली बातें वो दूर करते हैं, वो समझते हैं कि व्हाट इज फैमिली लाइफ। तो ये तीन प्रकार के फैमिलीज की मैंने आपको बात की, ज्वाइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है और वायर्ड फैमिली है। तो फैमिली वैल्यूज के लिए संस्कार और श्रद्धा अपने परिवार में दृढ़ करवाने के लिए फैमिली टाइम देना बहुत जरूरी है। हम साथ में भोजन लेते अच्छी बात है, साथ में कोई अच्छा टीवी प्रोग्राम देखते अच्छी बात है, लेकिन वो समय देना कि आप अपने परिवार के लिए समय देना, समय नहीं देंगे तो आप संस्कार और श्रद्धा उनके जीवन में दृढ़ नहीं करवा पाएंगे। दूसरी बात प्रमुख स्वामी महाराज करते थे कि अगर आपने अपने परिवारजनों को संस्कार नहीं दिए तो आपको एक दिन ऐसी बात आएगी कि संपत्ति और संतति दोनों आप गंवा देंगे, और ऐसे कहानियां बनी है। तीसरी बात प्रमुख स्वामी महाराज करते थे कि चारित्र दृढ़ करें और चारित्रवान समाज तैयार करें। तो ये प्रथम समय की बात है। एक बार एक यंग कपल थे, उनके घर भगवान की कृपा से एक बेबी बॉय का जन्म हुआ। फिर वो थोड़ा बड़ा हुआ तो माता ने उनको कुछ शब्द सिखाने का प्रयोग किया। शब्द कुछ सिखाते ना तो नॉर्मली बच्चा प्रथम शब्द क्या सीखता है, मां, जो भी परिवार में ट्रेडिशन है तो मां शब्द सीखता है। तो ये माता उस छोटे बच्चे को पा, पप्पा, पापा ये शब्द सिखाती थी। तो एक बार ये जेंटलमैन ऑफिस से शाम को आए और देखा कि मेरी पत्नी मेरे छोटे बच्चे को मेरा नाम सिखा रही है, बहुत खुश हुए। बच्चा तो वो नाम सीख गया। एक दो वीक के बाद एक बार रात को, आधी रात को, बच्चा रोने लगा। अब रोता है, उसको एक ही नाम आता था, पापा, पापा बोलने लगा। ये भाई साहब ने अपनी पत्नी को जगाया कि भाई कुछ संभाल, ये रोता है। उसकी पत्नी जस्ट टर्न ओवर हो गई और बोले कि ध्यान से सुनो किसको बुलाता है, जिनको बुलाता है उनको अटेंड करना चाहिए। अब पता चला वो नाम क्यों सिखाती थी। ये तो एक स्टोरी है, हकीकत नहीं है, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी बात ये हमें समझने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ केयर एंड कंसर्न। एक पिताजी वहां आए थे कभी मंदिर में, तो हमारे कोई संत ने पूछा कि आपके ये छोटा सा लड़का कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है। देख बेटा बता तो स्वामी पूछते हैं कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप। पता चला, फिर हमने उसको पूछा कि कितने सब्जेक्ट्स पढ़ता है वो। तो पिताजी कहते कि स्वामी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ता है, दिवाली पे नए टेक्स्ट बुक्स ला देते हैं, वो तो वो फाड़ देता है इसलिए आप ला देते हो, कोई नए सब्जेक्ट चालू नहीं होते दिवाली के बाद। और एक रियल एग्जांपल और भी आपको बताऊं, हमारे सद्गुरु संत है पूज्य विवेक सागर स्वामी, वे कई बार ये बात करते हैं। तो वहां साकरी में कोई व्यक्ति उनको मिले और परिचित थे और उनके परिवारजन की बात कुछ निकली। पूज्य विवेक सागर स्वामी ने पूछा कि आपको संतान कितने हैं, तो उन्होंने गिनाए, तीन चार नाम गिनाए। फिर विवेक सागर साहब ने कहा कि वो कनु शिकागो में, वो ठीक, वो पांचवा बराबर है, पांच है। कई बार बगीचे में घास बड़ा होता है, उसी तरह बच्चे घर में बड़े होते हैं। तो केयर, कंसर्न एंड कंसिडरेशन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है। समय देंगे तो संस्कारित कर पाएंगे। शिक्षण की तो कोई कमी नहीं है, आपने अच्छी स्कूल में उसको भर्ती करवा दिया तो अच्छी पढ़ाई कर लेगा, ट्यूशन आप रखवा देंगे, आप भी थोड़ा ध्यान रखते हो और रखेंगे, तो
तो वो ग्रेजुएट तो हो जाएगा, फार्मासिस्ट हो जाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, कंपनी सेक्रेटरी हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, वो तो एक रूटीन सिस्टम में आ गया है। What we want in the society is good doctors, good chartered accountants, good company secretaries, good engineers. Value-based life की जरूरत है। वरना वहां जाके गोलमाल करेगा तो पूरा अपना करियर चौपट कर देगा, पूरी अपनी लाइफ चौपट कर देगा। प्रसंग बनते हैं ना, समाज में हम देखते हैं, सुनते हैं, पड़ोस में भी कुछ देखा सुना होगा। We want value-based living. इसके लिए समय देना और उनके साथ बैठना, बातें करना, उनकी हैबिट्स, उनके, आपको अगर मैं पूछूं कि आपके बच्चे को कौन सा कलर प्रिय है, आप में से कितने होंगे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके बच्चे मैथमेटिक्स या फिजिक्स में थोड़े कमजोर हैं, तो आप व्यक्तिगत तौर पे उतने कितने प्रयत्नशील हो, चलो ट्यूशन रख दिया,